हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको पता है, जब ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी उसमें शुरू में ही लिखा हुआ था कि ये प्रूव के क्वेश्चंस हैं, प्रूव द फॉलोइंग, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के क्या हैं, हमारे पास प्रूव के ही हैं ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th भी प्रूफ ही करना है, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है प्रूफ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो √3 + 1 और फिर ब्रैकेट में 3 − cot 30 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 10³ 60 डिग्री माइनस में 2 sin 60 डिग्री। देखो इनमें वैल्यूज़ हैं, है ना, ये एंगल्स दिए हमें cot 30, 10 60 sin 60, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, उनको पुट करो और सोल्व करो, फिर देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वल आती है क्या राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट में 3 + 1 और ये है हमारे पास 3 − cot 30 डिग्री, ये है, ठीक है। अब देखो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, कोट 30 होता है √3, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम √3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा ये 3 − cot 30 की वैल्यू होती है √3, क्लियर। तो इनको अब क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले इस टर्म को इस पूरे से कर दो, फिर इसको इससे कर दो, देखो कैसे। ब्रैकेट्स में तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये देखो √3 और मल्टीप्लाई कर देंगे ये 3 − √3 से, फिर ये +1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 − √3 से। तो यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस में √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, कैसे, √3 × √3 क्या होता है, √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से ये कट जाएगा तो 3 आता है, समझ रहे हो। तो ये 3 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस में 1 × 3 3 और माइनस में ये 1 × √3 इज़ √3, 3 ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 3√3 माइनस में √3, 3√3 माइनस में √3। यहाँ से देखो अब ज़रा, आप यहाँ पर इसमें से अगर √3 कॉमन ले दो तो क्या बचेगा, इधर 3 इधर बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा √3 × और ये क्या आ जाएगा आपका, 3 − 1 इज़ 2, दैट इज़ 2√3। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, देखो 3√3 माइनस में √3 है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, जैसे 3x − x होता है तो कितना आएगा, 2x आएगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। रूट में देखो वैल्यू सेम है तो ये माइनस हो सकता है, बाहर 3 है और इसके बाहर 1 समझेंगे हम, ठीक है। तो जैसे 3x − x क्या होता है, 2x, वैसे ही 3√3 − √3 क्या हो जाएगा, 2√3, और ये कॉमन अगर लेते हैं हम तो वहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई, अब राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये 10³ में 60 डिग्री माइनस में 2 sin 60 डिग्री। तो 10 60 बताओ जरा क्या होता है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इसका क्यूब, ये तो सब वैल्यूज़ होंगी याद आपको, ठीक है, माइनस में 2, और sin 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2 होता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 का क्यूब है, तो देखो √3 के क्यूब को मैं ऐसे लिख दूँ √3 × √3, 3 टाइम्स लिख दूँ इस तरीके से, और माइनस में ये क्या है इधर √3। अब देखो ध्यान से, यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा ना, जैसे यहाँ पर किया था, क्योंकि √3 √3 √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर रूट, ठीक है ना। तो ये बचा √3 × √3 कैसे लिखेंगे, अब हम 3 लिख देंगे और ये √3 साथ में आ जाएगा इधर, और माइनस में √3, और ये मैंने अभी आपको बताया था, या तो ये कॉमन लेके कर लो, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 − 1, तो यही एज इट इज़ आ जाएगा, या फिर आपको पता होना चाहिए 3√3 − √3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 2√3 करेंगे, क्योंकि आपको पता है 3x − x 2x होता है, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करके कितना आया था 2√3 और राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके जी, थैंक यू।